कौन जीतेगा आज का मैच, आईपीएल 2024 का पांचवा मैच जो कि खेला जाएगा गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच। आपको इस वीडियो में इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और ये बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ साथ दोनों टीमों का टीम कंपैरिजन और टीम एनालिसिस करने के बाद आपको इस वीडियो में मेरा पर्सनल मैच प्रेडिक्शन बताया जाएगा। आखिर मुझे क्या लगता है दोनों टीमों कौन सी टीम मैच को जीत सकती है, मैच को विन कर सकती है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग पूरे जोर से देखें। चलिए आज की हमारी इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों टीमों के जो हैड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, क्योंकि आपको पता ही होगा किसी मैच को जीतने के लिए हैड टू हेड रिकॉर्ड जो है कितना ज्यादा मायने रखता है। इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो आपको बता दूं इन दोनों टीमों के बीच जो है ज्यादा आईपीएल के मुकाबले नहीं खेला गया है, केवल 4 मुकाबले जो है इन दोनों टीमों के बीच खेला गया है, जिसमें से 2 मुकाबले जो है मुंबई इंडियंस की टीम गुजरात टाइटंस की टीम से जीती है, वहीं 2 मुकाबले जो है गुजरात टाइटंस की टीम जो है मुंबई इंडियंस की टीम से जो है जीत के आ रही है। इन दोनों टीमों के बीच जो लास्ट मुकाबला खेला गया था 26 मई 2023 को क्वालिफाई 2 मैच, जिस मुकाबले में जो है गुजरात टाइटंस की टीम जो है फर्स्ट बैटिंग करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम से जो है 62 रन के बड़े अंतर से जो है जीत गई थी। यानी कि लास्ट मैच जो कि दोनों टीमों के बीच हुआ था, कौन यहाँ पे गुजरात टाइटंस की टीम जीत के आ रही है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म की, तो गुजरात टाइटंस की टीम की बात करें लास्ट के 5 मैच जो खेली थी 3 मैच यहाँ पे हारी है, 2 मैच जीती है। बात करें मुंबई इंडियंस की टीम की रिसेंट फॉर्म की, लास्ट के 5 मैच जो खेली है ये भी टीम 3 मैच जीती है, 2 मैच हारी है। आपको बता दूं ये दोनों टीमों का जो आईपीएल 2023 का रिसेंट फॉर्म है। अब बात करते हैं यहाँ पे दोनों टीमों के टीम कंपैरिजन के बारे में, तो आपको बता दूं गुजरात टाइटंस की टीम लास्ट के 10 मैच जो खेली है सभी टीमों के साथ 60% इनका विनिंग परसेंटेज रहा है। एवरेज स्कोर है 183 का, हाईएस्ट स्कोर है 233 का, लोएस्ट स्कोर है यहाँ पे 119 रन का। बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की, तो मुंबई इंडियंस की टीम लास्ट के 10 T20 मैच जो कि सभी टीमों के साथ खेली है 60% इनका विनिंग परसेंटेज रहा है। एवरेज स्कोर है 186 का, हाईएस्ट स्कोर है 218 का, लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 139 रन। अगर बात करें यहाँ पे दोनों टीमों की टीम एलिसिस की, तो आपको बता दूं गुजरात टाइटंस की टीम में जो है आपको सिमन गिल, रिद्धिमान साहा, डेविड मिलर, मैथ्यू वेड जैसे जो आपको अच्छे अच्छे जो है यहाँ बैट्समैन देखने को मिल जाते हैं, विजय शंकर और राहुल तेवतिया जैसे जो है आपको अच्छे अच्छे ऑलराउंडर देखने को मिल जाते हैं। प्लस अगर बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे राशिद खान, उमेश यादव, कार्तिक त्यागी जैसे जो है आपको अच्छे अच्छे जो है यहाँ बॉलर्स भी देखने को मिल जाते हैं। बात करें मुंबई इंडियंस की टीम की, तो मुंबई इंडियंस की टीम में जो है आपको इस टीम में जो है यहाँ पे ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा जैसे जो आपको अच्छे अच्छे बैट्समैन देखने को मिल जाते हैं। हार्दिक पांड्या, टीम डेविड और उमेश सैफेट जैसे जो आपको बेस्ट बेस्ट ऑलराउंडर आपको इस टीम में देखने को मिल जाते हैं। जसप्रीत बुमराह, पीयूष सावला और जी कोटली जैसे जो आपको बेस्ट बेस्ट बॉलर भी जो है आपको यहाँ पे इस टीम में देखने को मिल जाते हैं। पर्सनली बात करें तो मुझे यहाँ पे जो है मुंबई इंडियंस का स्कोर जो है थोड़ा ज्यादा खतरनाक लगा यहाँ पे गुजरात टाइटंस की टीम से, बट मेरा पर्सनल मैच प्रेडिक्शन क्या है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बट उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर से बताएं कि आपको क्या लगता है दोनों टीमों कौन सी टीम जो है इस मैच को जीत सकती है। चलिए फटाफट बात करते हैं मेरे यहाँ पर्सनल मैच प्रेडिक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले आप चले जाकर देख लो अभी तक आपने जो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो फटाफट जाओ जाके ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल ही फ्री में मैच का प्रेडिक्शन दे दिया जाता है, और जैसे कि आपको पता ही होगा इस मैच के बाद ही बहुत सारे मैचेस आने वाले हैं, बहुत सारे यहाँ पे आईपीएल के मैचेस ही आने वाले हैं। अगर आपको सही मैच का प्रेडिक्शन बिल्कुल ही फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे इस सारे मैचेस में, तो जाओ जाके ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ रवि भाई के बारे में, अगर आप भी टॉस और मैच प्रेडिक्शन लेना चाहते हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनका नंबर आपको स्क्रीन पर और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इनका काम बहुत ही अच्छा है, तो कॉन्टैक्ट आप जाके मतलब की कर सकते हो। बात करते हैं मेरे यहाँ पे जो है पर्सनल मैच प्रेडिक्शन के बारे में, तो आपको बता दूं दोनों टीमों का टीम कंपैरिजन और टीम एनालिसिस करने के बाद जहां तक मुझे लगता है इस मैच में कौन आपको जो है मुंबई इंडियंस की टीम जो है आपको इस मैच को जीतती हुई, इस मैच को विन करती हुई दिखाई दे सकती है। बट आपको बता दूं ये मेरा मैच का फाइनल अपडेट नहीं है, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है मैच शुरू होने से पहले मैच पर कोई बड़ी खबर आ जाती है जिस कारण मैच का प्रेडिक्शन चेंज भी हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूं मैच का फाइनल अपडेट, मैच का फाइनल प्रेडिक्शन जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा मैच शुरू होने से पहले, तो के जाके ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन टेलीग्राम पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलती है आपसे किसी वीडियो में, जब तक ले।